नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। दान पुण्य के साथ हुआ पतंग उत्सव का आयोजन। कोरोना की उल्टी गिनती हुई शुरू शनिवार से। स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेगा टीका, सारी तैयारी हुई पूरी। सोए अवस्था में किसान की अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। पुलिस ने घटना के जल्द उद्भेदन का किया दावा। ठंड बढ़ते ही चोरी की वारदात में आई तेजी। पुलिस की सक्रियता पर उठ रहे हैं सवाल। और स्नातक पार्ट 3 का रिजल्ट हुआ जारी। कुलपति ने कहा समय पर होगी सारी परीक्षाएं। अब समाचार विस्तार से। बांका के बौंसी प्रखंड स्थित मंदार पर्वत की तलहट्टी में सदियों से मकर संक्रांति के दिन पापहरनी सरोवर में स्नान की परंपरा रही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवासुर संग्राम के समुद्र मंथन में मंदार पर्वत का उपयोग मथानी के लिए किया गया था, जिसमें विष और अमृत के साथ 14 प्रकार के रत्नों की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि मंदार की शिखर को देखने से नर नारायण हो जाते हैं, जबकि कामधेनु के साक्षात दर्शन से पुनर्जन्म से छुटकारा मिल जाता है। बता दें कि मंदार पर्वत और पापहरनी सरोवर सनातनी के साथ जैन मतावलंबियों का समागम स्थल है, जहां प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। हालांकि इस वर्ष कोरोना को लेकर पर्यटन विभाग द्वारा बौंसी में आयोजित होने वाले राजकीय मंदार महोत्सव मेला के आयोजन पर प्रशासन ने रोक लगा दी है, लेकिन सरकारी आदेश के अनुसार दूरी बनाकर श्रद्धालुओं ने गुरुवार को मंदार पापहरनी में स्नान कर श्रद्धा भक्ति के साथ धार्मिक अनुष्ठान को पूरा किया। वहीं प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर SDRF की टीम की तैनाती करने के साथ निःशुल्क चिकित्सा शिविर की भी व्यवस्था की गई है। कोरोना के कारण त्योहार होते हुए भी बौंसी मेला परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। सुल्तानगंज अजगैबी नाथ गंगा घाट पर मकर संक्रांति को लेकर गुरुवार को भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। मकर संक्रांति को लेकर सुल्तानगंज गंगा घाटों में बिहार झारखंड के भक्त सुबह से ही गंगा स्नान के लिए पहुंचने लगे। गंगा स्नान कर भक्तों ने अजगैबी नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर दान ध्यान भी किया। इस दौरान मंदिर के बाबा प्रेमचंद्र गिरी ने कहा कि आज के दिन बिहार झारखंड समेत कई राज्यों से आए भक्त बाबा की पूजा करते हैं, जिससे भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से इस वर्ष गंगा घाटों पर कम श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहीं भक्त चंदन कुमार ने कहा कि वो हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान कर मंदिरों में पूजा पाठ कर दान पुण्य करने आते हैं। बिहार में उतरा इधर जो है मैंने दही चूड़ा का प्रस्था ज़्यादा है, और क्षेत्रों में ज़्यादा महत्व जो है खिचड़ी का ही होता है। तमाम बड़े बड़े मठों मंदिरों में तमाम जो है खिचड़ियाँ चलती हैं, और इधर का दही चूड़ा दिन में चलता है, शाम को खिचड़ी बनता है इस तरीके से। और दान पुण्य जिसका जो श्रद्धा है वो दान पुण्य करता है, और दान पुण्य करने से भगवान सबको मोक्ष प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति का त्यौहार प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस पर्व में तिल और तिल से बने सामग्री की विशेष महत्ता के कारण बाजार तिलकुट से गुलजार रहता है। कहा जाता है कि भारतीय त्योहारों में मकर संक्रांति ही एक ऐसा त्यौहार है जिसके लिए अमूमन 14 जनवरी का दिन प्रत्येक वर्ष निश्चित रहता है, और यह पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उत्सव का भी आयोजन होता है, और श्रद्धालु गंगा स्नान कर दान पुण्य भी करते हैं। इधर मकर संक्रांति के मौके पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने लोगों को बधाई देते हुए कहा कि खड़मास समाप्त होने पर शुभ कार्य शुरू किए जाएंगे। पूरे बिहार वासियों को, सभी भाई बहनों को, पूरे मैं अपनी तरफ से और पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूँ, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो खड़मास मकर संक्रांति के बाद पूरे बिहार में युवकों को रोजगार के लिए काम होगा, गरीबों को मकान मिलेंगे, और जो भी शिक्षा में जो उन्नति करनी है सारा विकास होगा। और अगर सरकार इसे विफल रहती है, हम लोग पूरे महागठबंधन के लोग
सरकार को घेरने का काम करेंगे इन मुद्दों पे। कोरोना महामारी को मात देने के लिए वैक्सीन भागलपुर पहुंच चुकी है, जिसे जिला प्रतिरक्षण कार्यालय के डीप फ्रीजर में रखा गया है। बता दें कि जिले के 10 सेंटरों पर 16 जनवरी से वैक्सीन देने का काम शुरू हो जाएगा और इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। वहीं बुधवार की देर शाम जैसे ही वैक्सीन को लेकर वाहन जिला प्रतिरक्षण कार्यालय पहुंचा, कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। लंबे इंतजार के बाद जब वैक्सीन अस्पताल पहुंची तो हर कोई इस यादगार क्षण को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने के लिए उत्साहित दिखा। गौरतलब हो कि पटना से भागलपुर सहित बांका, मुंगेर, लखीसराय और जमुई के लिए वैक्सीन की आपूर्ति की गई है। इधर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी ने बताया कि एक वाइल से 10 लोगों को टीके दिए जाएंगे और वैक्सीन की आपूर्ति सीरम इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया से की गई है। उन्होंने जानकारी दी कि भागलपुर को 1560 वाइल यानी 15,600 वैक्सीन मिला है। वहीं मंगल टीका को लेकर बताया जा रहा है कि प्रत्येक दिन 1,000 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही एक केंद्र पर 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। जिले में सदर अस्पताल, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल समेत कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लोगों को टीके लगाए जाएंगे। हम लोग वैक्सीन रिसीव कर लिए हैं और इस वैक्सीन का काफ़ी दिनों से इंतजार था और ये वो इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई और ये वैक्सीन आ गया है। तो आम आवाम को इसकी जानकारी भी हो गई है और हम लोग ये चाहेंगे कि कोरोना को हम लोग अब मात दे देंगे। पुलिस जिला नवगछिया के भीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर दियारा में अपराधियों ने 55 वर्षीय किसान मंगली मंडल की सोए अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर भीपुर और भवानीपुर पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया भेज दिया। जानकारी के अनुसार मंगली मंडल खेती के लिए शाहपुर दियारा में ही घर बनाकर रहता था, जहां बुधवार की देर रात घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। घटना को लेकर बताया गया कि मंगली मंडल अपनी पत्नी फूलन देवी और पुत्र दीपक कुमार के साथ सोया था, तभी सोए अवस्था में घर में घुसकर बदमाशों ने मंगली मंडल को गोली मार दी। मामले को लेकर नवगछिया SDPO दिलीप कुमार ने हत्या की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया है और फिलहाल मामले की जांच कर रही है। साथ ही कहा कि मृतक के परिजनों ने अब तक थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई है। भागलपुर में चोरी की घटना लगातार बढ़ती ही जा रही है। ताजा मामला मोजायदपुर थाना क्षेत्र के वारसलीगंज स्थित ठाकुरवाड़ी का है, जहां बुधवार की देर रात चोरों ने स्थानीय निवासी उदय प्रसाद चौरसिया के घर घुसकर लाखों के गहने और नगद रुपये उड़ा लिए। बता दें कि पीड़ित उदय प्रसाद पेशे से शिक्षक हैं और वर्तमान में गोराडी प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय कासिमपुर में कार्यरत हैं। वहीं घटना को लेकर पीड़ित के भाई अमरजीत कुमार ने बताया कि वह बुधवार की सुबह अपने बड़े भाई और परिवार समेत गोराडी स्थित अपने पैतृक आवास पर पिता के श्राद्ध कर्म में शामिल होने गए थे। वहीं उन्हें गुरुवार की सुबह घर में चोरी होने की पड़ोसियों से सूचना मिली, जिसके बाद परिवार के सभी सदस्य वापिस लौट गए तो देखा कि घर के 4 कमरों के दरवाजे का ताला टूटा पड़ा है और कमरों में रखे गोदरेज से जेवरात और कुछ नगद भी गायब हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर मोजायदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। घर पे वारसलीगंज निवास स्थान पे, इसमें हमारा वहाँ का मतलब कि मध्य रात्रि को आज के डेट में चोरी हुआ है, तो इसमें हमारे यहाँ से जेवर जो था, जेवर हुआ, कैश हुआ, इस सब का नुकसान हमको हुआ है। और हमारे घर में 6 रूम में से 4 रूम का ताला टूटा हुआ था और सारे रूम का हाल को बेहाल करके छोड़ दिया है वो। और जितना भी सामान सब चोरी हुआ है, वो सब सारा कॉस्टली सब सामान सब हमारे यहाँ से चोरी हुआ है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी ने आज अपने आवासीय कार्यालय में स्नातक BSc पार्ट 3 विज्ञान संकाय का रिजल्ट जारी कर दिया। इस दौरान TMBU के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कहा कि समय पर परीक्षा संचालित करना और रिजल्ट जारी करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और छात्र हित में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि 9 जनवरी को प्रैक्टिकल एग्जाम संपन्न हुआ था और 14 जनवरी को ही विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से साइंस संकाय का परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया गया। इधर PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने कहा कि TMBU में 15 से 17 जनवरी तक स्नातक पार्ट 3 का परीक्षा फल प्रकाशित किया जा सकता है। साथ ही बताया कि कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी के निर्देश पर रिजल्ट जारी करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य कर अपर आयुक्त सत्येंद्र कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुरुवार को आयकर दाताओं के लिए विशेष शिविर आयोजित करने की बात कही। कोविड 19 के संक्रमण काल में बड़ी संख्या में आयकर दाताओं ने आयकर रिटर्न नहीं भरा, जिसको लेकर आयकर विभाग ने यह पहल की है। अब तक टैक्स पे नहीं करने वालों के लिए स्कीम निकाली गई है, जिसके तहत करदाता अपने टैक्स का 35% टैक्स देकर इस संक्रमण काल में अपना सेटलमेंट करा सकते हैं। भागलपुर प्रमंडल के राज्य कर अपर आयुक्त ने कहा कि शनिवार को आयकर प्रमंडल भागलपुर के अधीन 4 अंचल लखीसराय, मुंगेर, जमुई और भागलपुर में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। साथ ही कहा कि भागलपुर शहरी क्षेत्र में 3 जगहों पर विशेष शिविर का आयोजन कर टैक्स संग्रहण किया जाएगा। शिविर आयकर विभाग का कार्यालय खलीपाबाग चौक और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस में लगाया जाएगा। पूरे प्रमंडल में अपने 4 अंचल हैं हमारे, जमुई है, मुंगेर है, लखीसराय है और भागलपुर है। चारों अंचलों में शिविर लगाने की व्यवस्था की गई है और भागलपुर में, भागलपुर अंचल में अंचल कार्यालय में एक शिविर होगा। यही हमारा अंचल कार्यालय भी है और 2 शिविर हम लोगों ने बाजार में लगाने की व्यवस्था की है, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, एक खलीफाबाद चौक। बांका में आए दिन बेखौफ अपराधियों द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें हत्या और लूटपाट जैसी संगीन घटना शामिल हैं। इसको लेकर बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने सभी थाना क्षेत्र में गश्ती तेज करने और नजर बनाए रखने का आदेश दिया है। बता दें कि बांका एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर दोहमान पंचायत के गौरीपुर गांव के कमल यादव के घर से 3 हथियारबंद अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बांका एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम गठित की गई और बांका टाउन थाना इंस्पेक्टर सुबोध राय और एएसआई राजेश यादव ने मौके पर पहुंचकर दलबल के साथ छापेमारी की, जिसमें घर से 3 अपराधियों को 1 मास्केट, 1 देसी कट्टा, 2 कारतूस और 11,700 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि तीनों एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। हम लोगों को ये सूचना मिली थी कि बांका थाना क्षेत्र में गौरीपुर में एक व्यक्ति है कमल यादव, उसके यहाँ कुछ अपराधियों का जमावड़ा हो रहा है और उसके पास हथियार भी है। हम लोगों ने सूचना का सत्यापन किया। 2-3 दिन से सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रही थी। इसी सूचना के सत्यापन क्रम में सत्य पाए जाने पर इंस्पेक्टर टाउन और सब इंस्पेक्टर राजेश के नेतृत्व में हम लोगों ने तब छापामारी की। उसी छापामारी क्रम में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जिले में कड़ाके की ठंड ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। वहीं बढ़ती ठंड को देखते हुए वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 शाह मार्केट एवं खानकाह पीर दमड़िया ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अलाव की व्यवस्था की है। खानकाह की ओर से शहर के कई चौक चौराहों पर अलाव जलाकर ठंड में ठिठुर रहे लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इधर खानकाह पीर दमड़िया के उप सज्जादा नशीं सैयद शाह फकरे आलम हसन ने कहा कि पिछले 2 दिनों से ठंडी हवाएं चल रही है और रात में जो लोग देर तक चौक चौराहों पर रह जाते हैं उन्हें ठंड से राहत पहुंचाने के लिए अलाव जलाने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि खानकाहों का काम हमेशा सेवा भाव से लोगों के कष्ट को दूर करना है। सैयद हसन ने बताया कि फिलहाल खलीपाबाग, स्टेशन चौक, ततारपुर, कचहरी चौक, घंटाघर चौक, तिलका मांझी चौक, सराय नाथनगर, पर्वती समेत कई जगहों पर अलाव के इंतजाम किए गए हैं। अभी ठंड 2-3 दिन से काफी बढ़ चुकी है
और खासतौर पर शाम के वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं, शीतलहरी चल रही है, जिसको देखकर एक मरतबा फिर से शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 और खानकाह पीर दमड़िया की जानिब से आलाव जलाकर राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बांका जिला प्रशासन की ओर से लगातार एक महीने तक माइकिंग करने के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस दौरान शहर के कई सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। बांका शहर के सौंदर्यीकरण और सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर जिले में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। शहर के गांधी चौक के पास सबसे ज्यादा अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई। डीएम सुहर्ष भगत, एसपी अरविंद कुमार गुप्ता, एसडीएम मनोज कुमार चौधरी समेत काफी पुलिस जवानों की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया। कटोरिया बस स्टैंड से डीएम आवास और शिवाजी चौक की तरफ जाने वाली सड़कों को दुकानदारों के अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। साथ ही अतिक्रमित वीर कुंवर सिंह की मूर्ति को भी मुक्त करवाया गया। भागलपुर नवगछिया के राघोपुर निवासी कारे सहनी को राघोपुर बिंदटोली निवासी रामजी महतो ने चाकू मारकर घायल कर दिया और 14,000 रुपए भी लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले को लेकर कारे सहनी ने बताया कि मछली खरीद कर वो घूम घूम कर बेचता है। गुरुवार की दोपहर वह राघोपुर में था, इसी दौरान रामजी महतो वहां पर आया और 400-500 रुपए जबरदस्ती मांगने लगा, जिसका विरोध करने पर वह उग्र हो गया और अपने पास रखे चाकू से जान मारने की नीयत से उसने पेट पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने पर चाकू जांघ में जा लगी, जिससे वह घायल हो गया। घटना के संदर्भ में पीड़ित ने परवत्ता थाना में आवेदन दिया है। परवत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने कहा कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सर, वो हमसे 200 रुपया पहले मांगा। कौन? रामजी महतो। हम उसको पैसा, उसको लेन देन को नहीं, हम उसको काहे देंगे, नहीं दिए तो 14,000 रुपया जमीन था, ले लिया, उसको छीनने की कोशिश की है पैसा उसके जिम से, हाथ से बच्चे को भोग दिया। अब अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, दान पुण्य के साथ हुआ पतंग उत्सव का आयोजन। कोरोना की उल्टी गिनती हुई शुरू शनिवार से, स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेगा टीका, सारी तैयारी हुई पूरी। सोए अवस्था में किसान की अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या, पुलिस ने घटना के जल्द उद्भेदन का किया दावा। ठंड बढ़ते ही चोरी की वारदात में आई तेजी, पुलिस की सक्रियता पर उठ रहे हैं सवाल। और स्नातक पार्ट 3 का रिजल्ट हुआ जारी, कुलपति ने कहा समय पर होगी सारी परीक्षाएं। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।